जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ही साथ है, इसलिए इन्हें देश का प्रधानमंत्री फिर से चुना गया है। वो भारतीय जनता पार्टी जन आकांक्षाओं की पार्टी है, जो पूरे 140 करोड़ जनता को जो अपना वारिस समझते हैं। ऐसे आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का आज तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, इसी विषय में हम लोगों ने यहाँ धूमधाम से आतिशबाजी के साथ जश्न मनाने का काम किया है। देश का एकमात्र नेता है वैसे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरा संकल्प लेके जो 10 साल पहले आए थे अपने कार्यकाल में, उन्होंने धारा 370 जैसा देश का जनहित का मुद्दा जो था उसको किया। रामलला मंदिर 500 वर्षों के तपस्या और सहाग संघर्ष का वो जो जीवन चल रहा था, सब नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यकर्ता के रूप में देखा था और उस सौगंध लिया था, और उस सौगंध को भी उन्होंने पूरा किया जब प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित हुए। महिलाओं की जहाँ तक बात होती है तो महिलाओं का आरक्षण 50% का आरक्षण हमारे संविधान में नरेंद्र मोदी जी देने के काम किया। शौचालय योजना से महिलाओं की गौरव की रक्षा की तो नरेंद्र मोदी जी ने, और साथ ही साथ देश के प्रति समर्पण और निष्ठा का कोई एक प्रतीक है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये देश की जनता समझ रही है। मैं लक्की पांडे हुआ, युवा मोर्चा में पटना महानगर में क्षेत्रीय प्रभारी हूँ। आज धर्म की जीत हुई है, आपने देखा होगा कि जब जब अधर्म का नाश हो तब तब हमारे किसी न किसी रूप में देवता ने अवतार लिया। जब अधर्म की बात होती है तो कभी राम बनकर अवतार लेते हैं, जब अधर्म का जब नाम होता है तब श्री कृष्ण बनकर अवतार लेते हैं, और आज स्वयं जब अधर्म का विनाश करने के लिए तो धर्म के रूप में फिर एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी ने अवतार लिया और अवतार लेकर अधर्म का विनाश किया। ये 9-10 सिर वाले जो रावण का सिर था उनको विनाश करने के लिए पुनः नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार अवतार का रूप लिया है। ये नरेंद्र मोदी जी ये नारायण का रूप है। आपने फिर से मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब अधर्म की बात होती थी तब तब नारायण के रूप में किसी न किसी के रूप में भगवान को अवतार लेना पड़ता था, तो आज स्वयं नारायण के रूप में मोदी जी ने फिर तीसरी बार पुनः अवतार लिया है। तो राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को एक एक जो देवतुल हमारे कार्यकर्ता थे जिन्होंने सीने से लग के पूरे राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन को वोट दिया, समर्पित हुआ, मैं उस जनतांत्रिक गठबंधन को बधाई देना चाहता हूं। और बिहार के जो महामहिम, बिहार में जो हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार है, मैं उनको भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे विधान, हमारे नीतीश कुमार, हमारे जीतनराम मोदी जी, हमारे TDPA के अध्यक्ष जीतनराम मांझी जी, TDPA का अध्यक्ष, और जितने राष्ट्र जनतांत्रिक के गठबंधन के जितने साथी हैं, मैं उन सभी को पुनः एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ। हमें तो गर्व होता है, सौभाग्यशाली होता है। मैंने तो प्रधानमंत्री को जब प्रधानमंत्री का जब आज जो सौगात होता है तो मैंने तो देखा कि पूर्व मंत्री रहते हैं, विधायक रहते हैं, मंत्रीगण रहते हैं, नेतागण रहते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं अपनी सदस्यता में कर्मचारी, नगर निगम का कर्मचारी भी मौजूद हैं। यही है प्रधानमंत्री का खूबी।